भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भाजपा मुख्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित की। इसमें उन्होंने वर्चुअल रैलियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भाजपा की वर्चुअल रैलियों में रिकॉर्ड बन रहा है। 20 जून को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और 27 जून को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। इस बीच जब सवाल आया कि वर्चुअल के दौरान विधायकों को होटल में ट्रेनिंग क्यों दी जा रही है, तो भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बचाव की मुद्रा में दिखे। पहले तो कहा कि राज्यसभा चुनाव में अक्सर होता आया है ताकि वोट सही पड़े। फिर बाद में पूनिया ने कहा कि यदि वर्चुअल वोटिंग होती है तो वर्चुअल ट्रेनिंग भी दी जा सकती है। वे भारत चीन झड़प को लेकर कांग्रेस पर भी पलटवार किया और कहा कि वो प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ताओं से स्वदेशी अपनाने की अपील करेंगे। लगभग 1.25 करोड़ लोगों ने बिहार की उस वर्चुअल रैली को लोगों ने देखा। ये असंभव था कि एक मैदान पे 1.25 करोड़ लोग इकट्ठे होते और उस 1.25 करोड़ लोगों से नीचे तक कितना कनेक्ट हुआ होगा। इसी तर्ज पर उड़ीसा की बंगाल की रैलियां हुई, जबरदस्त रेस्पॉन्स मिला। राजस्थान में भी 14 तारीख को हम लोगों ने पहली वर्चुअल रैली की जिसमें जयपुर और भरतपुर संभाग शामिल था। उसका अपडेट मेरे पास है। विभिन्न जो माध्यम थे, अभी कुछ और भी फिगर आना है जो फिजिकली हमें अपने मंडलों से कलेक्ट करना है, लेकिन मोटे तौर पर इसकी रीच जो थी अलग अलग कैटेगराइज किया तो लगभग अंदाज है कि 35 लाख लोगों तक प्रत्यक्ष रूप से 14 तारीख की स्मृति ईरानी जी की उदय जयपुर और भरतपुर संभाग